पैर दिखाइए मामी। ये पायल मामी की है। रुको, चलाओ जरा जल्दी जल्दी। हमारे एगो पैर का पायल, एगो पैर का कहाँ गया? कच्ची गोलियां नहीं खेली है तुम्हारी मामी ने बेटा, हम पहले से ना इंतजाम करके आए थे। बेटा एक डिजाइन की दो पायल हो सकती है ना? जरूर ना, कोई हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है। कहीं कहीं गंगा तो नहीं? बस बहुत हो गया। इससे पहले कि हम अपना आपा खोकर कुछ कर दें, इस लड़की को ले जाओ यहां से। पूरे घर को परेशान करके रखा इसने। जिस दिन मुझे पता चला इन सबके पीछे कौन है, वो दिन उस इंसान की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आज हमारी सांसें आपकी ही वजह से चल रही हैं। ये तुम्हारा प्यार है गौरी, जो मुझे हमेशा तुम्हारे पास खींच लाता है। अब ये वीडियो हम गौरी को दिखाएंगे, इसे देखकर वो घर जरूर छोड़कर जाएगी। गौरी, एक वक्त था जब मैं सिर्फ तुम्हारे हुनर की कदर करता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी और तुम्हारे हुनर दोनों की कदर करता हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें हमारी शादी का एक सच बताना चाहता हूँ। अच्छा तुम रेस्ट करो, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं निपटा के आता हूँ। Thank you.
शायद गर्जी का कोई कागज यहाँ रह गया। आई होप तुम मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं लेटर पढ़ के तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। इसके बदले तुम जो भी सजा मुझे देना चाहती हो ना गौरी, मुझे सब मंजूर है। आज हमें दर्द तो बहुत हुआ है गर्व जी, लेकिन इस बात से सुकून भी बहुत मिला है कि आपने हमें सब सच सच बता दिया और आज इस सच्चाई ने हमारे रिश्ते को सिर्फ एक नई मजबूती ही नहीं बल्कि आपको हमारे सामने और बड़ा बना दिया है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम इतना शांत कैसे गौरी? गौरी की इस शांति की वजह हम हैं गर्व, पर चिंता मत करो, हमने जो किया है ना वो तुम्हारी जिंदगी में तूफान जरूर लेकर आएगा। गर्व, गर्व, गर्व ने गौरी से डिवोर्स पेपर साइन करवा ली, अब जाएगी ये लड़की इस घर को छोड़कर। ये क्या है? अपनी मां से होशियारी करोगे तुम? अब देखो शकुंतला देवी क्या करती है। क्योंकि वक्त और शकुंतला देवी दो ऐसी चीजें हैं जो कभी भी बाजी पलट सकते हैं। अतीत तो सबका होता है गर्व जी, लेकिन एक बड़ा इंसान वही बनता है जो अपने अतीत को भुलाकर आने वाले कल की सोचे। और आज आप हमारी नजरों में एक बड़े इंसान बन गए हैं और हमारा प्यार भी आपके लिए बहुत बढ़ गया है।
तुम सोच भी नहीं सकती तुमने ये बोल के मुझे कितनी बड़ी सुकून की सांस दी है। तुम्हारे सुकून की सांस बहुत ही जल्द बेचैनी में बदलने वाली है गर। क्या प्यार था दोनों के बीच में, माफी ही माफी, प्यार ही प्यार। गर तुमको लग रहा है कि उसने तुम्हें बंधवा मजदूर की बात के लिए माफी दे दी, और गौरी दया की देवी उसे लग रहा है पहला प्यार तो हर किसी का होता है। उसे क्या पता तुम्हारे पहले प्यार की गाथा हमने लिखी थी, क्योंकि जो तुमने लिखा है वो हम गौरी को कैसे पढ़ने देते। तुम्हें तुम्हारा सच इतने आसानी से कैसे बताने देते कर। अभी तो हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, क्योंकि बंधवा मजदूर वाली बात वो तो हमारे हुक्म का इक्का है, और वो हम तब खोलेंगे जब हमारी मर्जी होगी। गौरी आज मैं बहुत खुश हूँ। इधर आओ, इधर बैठो, बैठो बैठो। और ये खुशी तुमने मुझे दी है, चलो इस खुशी के बदले जो भी मांगना है ना मांगो। हमें इतना अच्छा पति मिल गया, अब और कोई ख्वाहिश नहीं है हमारी। गौरी प्लीज मांगो ना। एक ख्वाहिश है। अच्छा, आप तो बताओ, मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। हमें पढ़ाई पूरी करनी है। ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्यों पढ़ाई पूरी करनी है? कि हम पढ़ लिख कर और सशक्त बन सके, अपने सपनों को ऊंचा उड़ता हुआ देख सके, अपनी नई पहचान बना सके, और आपकी तरह अंग्रेजी बोल पाए। तुम्हारा ये सपना मैं नहीं पूरा कर सकता गौरी। लेकिन गर्व जी अभी तो लेकिन लेकिन कुछ नहीं गौरी। मैंने कहा ना, मेरी बीवी पढ़ाई नहीं करेगी। बच्चे के लिए हमें युग से रिश्ता बनाना ही पड़ेगा। चल, 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 चल।
ये सब क्या है? ये हमारे और आपके प्यार की एक नई शुरुआत है युग। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बहकी बहकी सी बातें कर रही हो तुम? बहक तो हम पहले गए थे, अब तो हम होश में आ गए। हमें समझ में आ गया कि हम आपकी पत्नी है और पति पत्नी का रिश्ता यूं दूरियों के साथ तो नहीं निभाया जाता ना। तुम पागल हो गई हो गंगा, तुम भूल गए कि तुम मंगल से प्यार करती थी? ये बच्चा हमारे नहीं हो सकता, किसी और की मुसीबत हमारे सर मत डालो। जब प्यार ही नहीं है तो निशानी कौन सी? खुशखबरी जाके अपने पति को दो, क्योंकि वो ही है इसका बाप, और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, समझी? दरअसल ये वो क्या है ना कि पिछले कुछ दिनों में हमें एहसास हो गया कि शादी का मतलब क्या होता है। आप हमें बहुत अच्छे लगने लगे हैं योग। आपको देखकर हमारे मन में बहुत से ख्याल आने लगे, इसीलिए हम हमारी इस शादी को एक और मौका देना चाहते हैं। पर हम कोई मौका नहीं देना चाहते गंगा। हमारे लिए आज भी ये शादी पहले की तरह एक छल है, और कुछ नहीं समझ गई तुम? हम आपको बहुत प्यार करेंगे, हम आपको बहुत प्यार करेंगे। सिर्फ हमने ये प्यार नहीं करना। हमें पढ़ाई पूरी करनी है ताकि हम पढ़ लिख कर और सशक्त बन सके, अपने सपनों को ऊंचा उड़ता हुआ देख सके, अपनी नई पहचान बना सके और आपकी तरह अंग्रेजी बोल पाए। एक बार फिर से ये पढ़ाई मेरे प्यार की आड़ नहीं आ सकती। नहीं नहीं नहीं, चिंता मत करो, तुम्हारी इस बर्बादी का बदला हम जरूर लेंगे। बस एक बार वही रात आ जाए और तुम ठीक हो जाओ, और तब तक तो हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। बस अब हमारी जिंदगी का यही एक मकसद है। छोटी माई, किससे बात कर रही हैं आप? और कौन सा मकसद है आपका, हमें बताइए, हम जरूर मदद करेंगे आपकी। बहुरियत, तुम नहीं जानती हो, वो हमारे पड़ोसी है ना, उनकी जड़ी बूटी के बारे में बात कर रहे थे, वही मकसद है हमारा। छोटी माई, अरे गौरी बहुरानी, तुम ऊपर से कपड़ा ले आई? अच्छा, क्या तुमने? जी मामी जी। अरे गंगा, ये सब कहाँ है? अरे
अरे लागत रहा है कि तुम कोई कमरा सजा रही थी। अरे छोटी माँ, आप भी ना कमरे सजाने का मतलब नहीं समझ रही है का? हाँ। वही सुहागरात की तैयारी। हाँ। अरे ये तो बढ़िया बात है। अरे बहिनिया का घर बर्बाद करने से तो अच्छा है घर गृहस्थी आबाद करना। अरे विवाहित जीवन का आनंद यूं ही तो लिया जाता है। अरे गौरी बहुरिया, अरे हमने तो सुना है कि तुमरे और गर्व के बीच बहुत इसकाना है। अरे तो घर गृहस्थी बढ़ाओ और हमें तो हमरे पोते का मुंह दिखाओ। अब तो भाई बस जल्द से जल्द हमरी गोद में किलकारिया खेलते हुए इस घर का चिराग देखना है। गंगा कुछ सोच जरा, अगर युग हमारे साथ आने को तैयार नहीं हुए तो किसका नाम दोगे अपने पेट में पलते इस बच्चे का? हमारी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब देखो हमसे ज्यादा इंतजार ना होगा, अब तो बस जल्द से जल्द हमें इस घर का वारिस चाहिए। वारिस। खबरदार, खबरदार हमारे बेटे से दूर रहना तुम। ए शकू, तो इका का मतलब है कि गौरी और गर्व कभी करीब ना आए? बिंदा तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी जा करके ना गौरी बहुरिया का कमरा सजा दो। लेकिन क्यों? क्यों का? रे आज गौरी बहुरिया की सुहागरात है। छोटी माई। बस सकू, रे कानों में तेल डाल रखा है का? हमने का कहा सुनाई नहीं दिया? तो जाओ। अजब, गौरी तुम्हारी सुहागरात का सूरज कभी नहीं निकलेगा, कभी नहीं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.